the government textbook, page number 240. Let's have a look at the diagram. Plate wire diya hai. So basically, this is an infinitely long wire. तो उसका एक सर्टेन सेक्शन हमको दिखाया गया. अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं भाई. सो करंट फ्लो रहा है, करंट फ्लोइंग आई. आप एक पॉइंट सिलेक्ट करो जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. समझ लिया आपने पॉइंट सिलेक्ट कर लिया. तो ये डिस्टेंस आपको दिखाया गया है कैपिटल आर. So this is capital R. Now, ये जो आपका वायर है इसमें कहीं पर भी एक छोटा सा डीएल ले लीजिए. बायट सावर्ट्स लॉ है तो हम लोग डीएल सिलेक्ट करते हैं. तो ये आपका छोटा सा पार्ट हो गया, आपने ले लिया डीएल. अब इस डीएल से पॉइंट पी को ज्वाइन कर दीजिए. ये जो आपने पॉइंट लिया है पी, इसको ज्वाइन कर दो. सो डीएल से लेके पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग देते हैं स्मॉल आर से. दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन योर डीएल एंड आर. तो डीएल और आर के बीच में जो एंगल होता है वो होता है थीटा. तो हमने थीटा मार्क कर दिया. सो आई थिंक दिस इज व्हाट इज गिवन इन द बुकलेट. तो आपके बुक में ये बेसिकली डायग्राम दिया है. अब क्या क्या नहीं दिया है और क्या क्या हमको और एक्स्ट्रा मार्क करना चाहिए तो आपके टेक्स्ट बुक में मार्क कर लीजिए उसको प्लीज. इस पॉइंट से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है दैट हैज बीन टेकन एज एल. तो जो भी पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हो उसको नाम दे दो ओ. तो ओ से लेके यहां तक का आपका डिस्टेंस है एल. डीएल के पहले का जो पार्ट है दैट इज एल. This angle here, it has to be pi minus theta. Linear pair है ना वो. तो अगर ये theta है, तो this is 180 minus theta. 180 को आप लिखोगे pi, so this is pi minus theta. ये दो चीज आप अपने diagram में include कर दीजिए textbook में. अगर आप separately बना रहे हो तो separately ले लो. But ideally इसको अपने diagram में include करो. Now let's use the Byard-Savart's law. अपना Byard-Savart's law क्या बोलता है देखो. According to ये है अपना Byard-Savart's law. तो बायर्ड-सावर्ट लॉ बोलता है डीबी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ये अपने को मालूम है, ये आपका बायर्ड-सावर्ट लॉ से हमको मिल गया. नाउ वी वांट फॉर द एंटायर वायर. तो वो जो पूरा वायर है मेरे पास तो उसके लिए देखिए दिस इज बी. वी विल हैव टू इंटीग्रेट दिस from minus infinity to plus infinity mu 0 4 pi idl sin theta upon r square. Why? Because this is an infinitely long wire. So we are saying from minus infinity to plus infinity. Ab yahan par ye cheez apne book mein nahi likha hai. Now using the applications of integration क्या बोलते हैं देखो. अगर आपके पास कुछ symmetrical body है, ये zero point है आपका, नीचे minus infinity है, ये plus infinity, तो I can fold it, इसके ऊपर है, इसको आगे से fold कर सकता हूँ मैं. और इस चीज को कैसे लिख सकते हैं देखो. तो we can write this as two times integration from zero to infinity 4 pi idl sin theta
अपॉन आर स्क्वायर. सो दिस यू विल गेट बाय सिमेट्री. ये सिमेट्री से आया, ये आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से मिलेगा. उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, ये एक प्रॉपर्टी है वहां. बोलो भाई इधर तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़े. इज दिस ओके? कैन वी मूव अहेड? अरे यस नो कुछ तो बोलो. चलिए ठीक है. थैंक यू अनुश्री. थैंक यू. ओके तनीश. थैंक यू. तो अब देखिए अब हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे क्योंकि अब हमको यहाँ पर इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना. ठीक है चलिए ध्यान से देखिए. ये जो आपका साइन थीटा है इसको कैसे हटाएंगे? इस डीएल का कुछ कर सकते हैं क्या? आर का कुछ करते हैं? इंटीग्रेशन है तो डीएल तो रहने वाला है. मतलब हमको सब कुछ एल के टर्म्स में लाने की कोशिश करनी पड़ेगी. सो चलिए एल के टर्म्स में जो बाकी के बचे हुए टर्म्स है उसको हम लाने की कोशिश करें. सो फ्रॉम द फिगर we can say that r square is equal to l square plus capital r square. तो ये देखो ये मेरा r square का काम हो गया. तो उसी तरीके से अगर आपको r चाहिए तो आप लिखोगे l square r square raised to r. तो हम r square और r, हमने r square निकाला तो r भी निकाल सकते. Now let us come to the sin theta. अभी अपने को ये sin theta हटाना है. साइन थीटा इज सेम एज साइन पाई माइनस थीटा. तो साइन थीटा और साइन पाई माइनस थीटा का आंसर सेम ही आता है. तो अब ये साइन थीटा और साइन पाई माइनस थीटा कैसे निकालोगे आप? पाई माइनस थीटा देखो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑपोजिट हाइपो. सो दिस आई विल गेट एज आर अपॉन आर. वेरी गुड तुषार. तो अब देखिए हमारा स्मॉल आर जो है ये एल के टर्म्स में दिखने लगा. साइन थीटा भी हट गया, ये भी आर और आर के टर्म्स में. स्मॉल आर, स्मॉल आर को हम लोग एल के टर्म्स में लिखेंगे. कैपिटल आर इज अ कॉन्स्टेंट टर्म. तो अब आपका जो इक्वेशन है वो किस फॉर्मेट में लिखेगा प्लीज ध्यान से देखिए. सो बी इज इक्वल म्यू जीरो फोर पाई. म्यू जीरो फोर पाई बाहर आ गया, आई कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया. इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी. So we are going to be integrating from 0 to infinity. यहाँ से 0 से infinity आपको इसको integrate करना पड़ेगा. Sin theta, तो sin theta हम लोग लेंगे r by r. Denominator में r square है मेरे पास. Into d. So therefore v is equal mu 0 4 pi integration from 0 to infinity r upon is a constant. चाहो तो इसको बाहर डाल दो. अब ये r cube हो गया. एक्चुअली आप इसको r और r को अगर यूटिलाइज करोगे तो यू कैन राइट दिस एज आपका आ गया इंटीग्रेशन. नाउ सिंस वी आर डूइंग फिजिक्स, ये वाला इंटीग्रेशन जो कि जेन्युइनली बहुत बड़ा इंटीग्रेशन है,
ये हमको सॉल्व नहीं करना है। 2 पाई कौन सा 2.1 हाँ 2 2 करेक्ट, ये 2 मेरे से बाहर बना, ये वाला 2 रह गया, ये 2 इधर भी छूट गया था। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहां तक आपको आंसर सॉल्व करके दिखाना है। जब आप डेरिवेशन भी लिखोगे तो यहां तक आप लिखोगे, फिर आप लिखोगे सॉल्विंग वी गेट। अगर आपकी बहुत इच्छा है तो भाई आपके मैथ्स के टीचर को ये दे देना, वो आपको सॉल्व करके दे देगा। ऑलमोस्ट 1 पेज का सब्स्टिट्यूशन, आपको एल का वैल्यू डालना पड़ेगा आर टेन थीटा, फिर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dl by d थीटा, तो आपको मिल जाएगा वो r sec square थीटा, फिर उसको ऊपर ट्रांसफर करके आपको पूरा वो सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपलीफाई करना। तो एनीवेज दिस इज नॉट करेक्ट मुर्सलेन, सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, हम उसको फिजिक्स के अंदर नहीं लेते, वो कैलकुलेशन हम नहीं दिखाएंगे। वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन द फाइनल रिजल्ट, तो जो आपके बुक में दिया हुआ है डायरेक्टली, पर वहां पर आप लिखिए, नहीं तो क्या होता है अपने को समझ में नहीं आता कि यार अचानक से क्या होगा। तो ऑन सॉल्विंग ऑन सॉल्विंग व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट बी इज इक्वल टू, देखिए अभी 2 और 2 कट कर दीजिए, तो क्या म्यू 0 अपॉन 2 पाई R, और ये जो टर्म है इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको मिलता है आर स्क्वेयर, ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट आर स्क्वेयर। तो R और R कट होगा, तो B का आंसर देखिए क्या मिलेगा, B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। एंड इफ यू कैन कंपेयर दिस विद योर एम्पियर्स लॉ वाला फर्स्ट एप्लीकेशन, वहां पर भी हमको सेम आंसर मिला था। तो स्टूडेंट्स depending on what he is asking you in the question, agar wo aapko ampere's law ke application ke perspective se puchta hai to wo use karna, agar wo aapko Byard-Savart's law ki madad se puch raha hai to bhai aapko is tarike se dikhana, theek hai। to humne ye b nikala, isko likh rahe hain, likh lijiye, pick le rahe hain pick le lijiye, ya mujhe send karna hai to bataiye, to fir main us hisab se send karu aapko। सर आप सेंड करो, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन एंटायरली बेस्ड ऑन योर डायग्राम, प्लेन सिंपल इंग्लिश में लिखना है अपने को, कंसीडर अ वायर हैविंग लेंथ एल। आपको वो भी लगता है कि नहीं सर मेरे को स्टेटमेंट बनाने को नहीं जमता है, ओके, कंसीडर अ वायर या कंसीडर अ कंडक्टर, लेट लेंथ इक्वल टू एल, स्पीड इक्वल टू वी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू वी, इतना तो लिख ही सकते हो आप। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसको, ये जो भी आपने किया इसको रिप्रेजेंट करना। अब आप निकालो इसका फोर्स एक्टिंग, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरा फोर्स एक्टिंग है इट इज क्यू बी बार क्रॉस बी बार। तो फोर्स का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल देखिए, इधर ये मेरा बी है और ये मेरा बी है, बी इधर है, बी इज लाइक दिस परपेंडिकुलर, इधर बी इधर है। सो मैं बी से स्टार्ट कर रहा हूं, बी की तरफ जा रहा हूं, मेरा थंब किधर है, मेरा थंब जा रहा है ऊपर, मतलब इस केस में जो आपको फोर्स मिलेगा उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन इधर, दिस इज माई एफ बार। सिमिलरली अगर आप बोलते हैं कि सर समझो अगर फील्ड बाहर आ रहा है
एक्स आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो वी किधर है, बी इधर है, फील्ड इधर है, तो वी टुवर्ड्स बी इधर है थंब नीचे, तो आपका फोर्स किधर जाता है, फोर्स जाता नीचे। फिलहाल इस डायग्राम में बी बार क्रॉस बी बार, तो आपका थंब किधर जाएगा, ऊपर किधर हो जाएगा, तो मुझे मिला F is equal to Q V bar cross V bar। क्रॉस प्रोडक्ट में अपने को साइन मिलता है, so therefore F is equal to Q B B sin theta। अब मुझे आप बताइए यहां तक आपको समझ में आ रहा है क्या, क्या सभी लोगों को ये Q B B sin theta तक समझ में आ गया? अब आपको पहला मेथड दिखाता हूं मैं, एकदम सिंपल मेथड, और दूसरा मेथड दिखाता हूं टेक्निकल मेथड, आप उसको कॉम्प्लिकेटेड मेथड भी बोल सकते हो, बट द फर्स्ट मेथड इज कंपैरेटिवली वेरी इजी। अब फर्स्ट मेथड में देखिए क्या करने का, सब डिफाइन कर देने का, वी नो दैट Q is equal to IT. What is Q? Q is I capital R. IT. तो जो आपका चार्ज है, चार्ज क्या है? It is the current flowing in the given time. या current is charge upon time. तो वैसा चाहिए तो वैसा कर लो, एक स्टेप बढ़ जाएगा। We know I is equal to Q upon T. Therefore, Q is equal to ये मालूम है अपने को। ऑल्सो और क्या मालूम है आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एल है आपके पास, टाइम है आपके पास टी, तो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू आपको मिला एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। F bar is equal to I L bar cross B bar। तो ये आपका आंसर आ गया for force which is being generated in a wire। इसको external magnetic field में रखना पड़ेगा तभी ये force मिलेगा, ठीक है। एक बार second method भी वापस check कर लीजिए, क्या किया हमने, हमने स्मॉल चार्ज ले लिया। अगर आपके पास स्मॉल चार्ज dq रहेगा, वेलोसिटी भी आपका dl by dt, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी स्मॉल, तो इधर आपके टर्म्स को रिप्लेस कर दो, स्मॉल फोर्स एक्टिंग df, dq v के जगह पे dl by dt, नेक्स्ट स्टेप में ये नहीं भूलिएगा, dt को इधर शिफ्ट करो तो ये आपका करंट हो जाएगा। देन वी आर समिंग अप ऑल द फोर्सेस टुगेदर, आप इंटीग्रेशन भी डाल सकते हो, summing up all the forces, you are summing up the entire length, so that gives you the force F bar is equal to I L bar cross B bar. The currents are like currents, like currents मतलब like किसको बोलेंगे, दोनों current का direction same। अभी एक आपके पास wire है, wire में current flow हो रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा कर्ल्ड फिंगर्स, थंब इज माय करंट, सो कर्ल्ड फिंगर्स मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया कि नहीं, राइट हैंड थंब रूल, क्लियर है? ओके, तो अब देखो ये आई वन करंट है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंड वायर को टच करेगा, तो I1 से जो मैग्नेटिक फील्ड निकला वो सेकेंड वायर को टच कर रहा है,
डायरेक्शन किधर है? परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। तो इधर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो ये रहा। सिमिलरली आई टू का ये थंब, ये इसका थर्ड फिंगर्स, तो जब वो I1 को फील्ड टच कर रहे हैं तो किधर आ रहे हैं? बाहर के साइड पे आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका B2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस से वो A लिखो D लिखो वो अपने ऊपर, ठीक है? ओके, चलिए अगर आपको समझा है तो यहाँ पे B1 B2 मार्किंग करेंगे। चलिए बताइए, ये I1 है इधर, तो B1 किधर जाएगा? बोलो अंदर की बाहर। B1 अंदर है कि बाहर है? अंदर। ये वाले केस में देखो, वेरी गुड तुषार, अंदर, बहुत बढ़िया। ये I1 है, B1 इधर इसको टच करेगा, देखो अंदर जा रहे, तो B1 इज अंदर। लेट्स हैव अ लुक एट दिस I1 I2। I2 का ये है, I2 नीचे है, अभी इसका राइट हैंड थंब रूल, अभी आपका फिंगर्स देखो I1 में किधर जा रहा है, I1 में अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे आपका B2 भी अंदर। इधर तक समझाए क्या? इधर तक समझाए क्या सबको भाई? यस, ओके। चलिए अभी हम निकालेंगे फोर्स। सो फोर्स इन मैग्नेटिज्म, फोर्स इज गिविंग गिवन बाय लेनिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आप यूज करोगे एफ बी आई, सो ये हो गया आपके पास एफ बी आई। चलिए अप्लाई करते हैं, पहला वायर देखिए, एफ बी आई, आई इज ऊपर, वेयर इज माय बी, बी इज माय बी टू विच इज बाहर, चेक, आई एम डूइंग फॉर दिस वायर, लेफ्ट हैंड साइड एक्सट्रीम लेफ्ट, आई ऊपर बी बाहर, वेयर इज द फोर्स एक्टिंग? फोर्स एक्टिंग अंदर की तरफ है, इनवर्ड्स F B I। तो आपका फोर्स देखो, फोर्स का डायरेक्शन दिस इज माय F1, चलिए अभी ये साइड वाला वायर देखिए, F B I, I किधर है? I तो ऊपर है, B किधर है? B अंदर है, तो फोर्स किधर है? फोर्स भी देखो अंदर की तरफ एक्ट हो रहा है, यानी इन दो केसेस में F1 एंड F2 आर एक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ये आपको MCQs में दिखाते हैं, लाइट करंट होगा तो आपका वायर कैसा दिखेगा? तो आपका वायर ऐसा दिखेगा, व्हाई? बिकॉज़ बेसिकली दोनों फोर्सेस एक दूसरे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये आपका केस हो गया अट्रैक्शन का केस। ओके, जस्ट गिव मी टू मिनट्स नाउ। इधर देख लो, फोर्स आप निकालो फटाफट, एफ बी आई, आई किधर है? आई ऊपर है, बी अंदर है, फोर्स बाहर है, तो ये आपका फोर्स आ गया इधर F1। देख लो भाई, एफ बी आई, आई नीचे है, बी अंदर है, ये आपका फोर्स आ गया, ये आपका फोर्स हो गया F2। तो ये आपका केस किसका था? अट्रैक्शन का केस। ये आपका केस किसका है? रिपल्शन का केस। एग्जाम में ये रॉन्ग क्यों करते हैं हम लोग? हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, लाइक रहेगा तो रिपेल ईच अदर, अनलाइक रहेगा तो अट्रैक्ट ईच अदर, और इसीलिए वो ये वाला एग्जाम्पल पूछता है।
तो जो लोग ने रखा हुआ है वो इधर गड़बड़ कर देते हैं। नाउ क्विकली लेट्स कैलकुलेट एफ वन एफ टू, ये आपको हर एक बार दोनों इसमें सेम आएगा। अपने को एफ वन निकालना है, एफ वन इज आई वन एल बी टू, आपको एफ टू निकालना है, एफ टू इज आई टू एल बी वन। अभी अभी आपने सीखा है फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर I1 L B2 हो जाएगा आपके पास mu0 I2 upon 2 pi। इसका आंसर देखो, ये आपके पास है इधर I2 L B1 आप लिखोगे mu0 I1 upon 2 pi, दोनों आंसर सेम है। तो जब आप फोर्सेस निकालोगे, फोर्सेस विल कम आउट टू बी द सेम इन ऑल द केसेस। मैग्नेटिज्म में लेफ्ट हैंड रूल, ईएमआई में राइट हैंड रूल। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी।